दोस्तों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट है यूट्यूब की तरफ से। तो यूट्यूब ने, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबरों को इसके बारे में पता नहीं हो ये अपडेट के बारे में, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन बहुत ही पहले आ चुका था और इसके बारे में यूट्यूब क्रिएटर इंसाइडर ने भी इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना चुका रहा था। अगर इसके बारे में आप लोगों ने पता नहीं है तो यूट्यूब पर जाके आप यूट्यूब इसके रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं, जो कि क्रिएटर इंसाइडर ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाया था, जो कि ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ने ही इस पर वीडियो डाला था और इसके ऊपर अपडेट दिया था। तो ये अपडेट क्या है, ये यूट्यूब वीडियोज़ को आप लोगों को लेके हैं और एक होता है आप जब भी यानी लाइव या प्रीमियर करते हैं वीडियोस, तो इसके बारे में तो आपको पता ही है, तो इसके ऊपर अपडेट है। तो ये इससे अपडेट किया क्या है मैं आगे जाके वीडियो भी बताऊंगा दोस्तों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हो सकता है आपको कुछ अपडेट टेढ़ी मेढ़ी लग सकता है लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है, वीडियो को अंदर जरूर दिखाई। इसके लिए दोस्तों आपको 1000 सब्सक्राइबर तो कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि जो भी लाइव करते हैं इसके लिए 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बिना 1000 सब्सक्राइबर के तो कोई भी लाइव नहीं आ सकता है, आपको तो पता है। तो प्रीमियर और लाइव अपडेटिंग को लेके और वीडियो अपलोडिंग को लेके तो इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए रहिएगा क्योंकि, और उसके ऊपर तो मैंने कुछ नोट्स भी रखा हुआ है, इसके ऊपर मैं बताऊंगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बट इससे पहले कि दोस्तों मैं बता दोस्तों, मैं हूं रंजन, हमेशा की तरह आप लोगों को फिर से स्वागत है अपने चैनल टेक्निकल जरूर पे। तो दोस्तों वीडियो पे नया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके दबा दीजिए, क्योंकि आप सबको पता है इस चैनल पे हमेशा यूट्यूब से जुड़ी नई नई लेटेस्ट नोटिफिकेशन जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना इसके हम लोग शुरू करते हैं। ओके गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पे प्रीमियर को आप दे लेके, प्रीमियर जब भी आपको पता है प्रीमियर का मतलब आप कब प्रीमियर, ये जैसे कि एक टाइम सेट किया जाता है या डेट या टाइम सेट किया जाता है, यानी एक समय को सेट किया जाता है कि आप किस टाइम में आप प्रीमियर करने वाले हैं, जैसे कि ये एक लाइव की तरह ही होता है। जैसे कि आपको पता है, जैसे आप ये क्या है, जैसे आप सेट होकर मान लीजिए आपने आज शाम को कि 7 बजे आपने प्रीमियर रखा है, ठीक है, प्रीमियर 7 बजे रखा है यानी 7 बजे आपका प्रीमियर चल जाएगा। या उस तो इसके अंदर YouTube ने क्या अपडेट दिया कि प्रीमियर के पहले यानी 7 बजे तो आपका प्रीमियर रहेगा, लेकिन इससे पहले 1 घंटा पहले यानी 6 बजे आप लाइव कर सकते हैं, YouTube ने ये सेट कर दिया, आप लाइव कर सकते हैं 1 घंटा, आप कम से कम अपने ऑडियंस के साथ बातचीत कर सकते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर ये सब कुछ कर सकते हैं। उसके बाद वही लाइव वीडियो ऑटोमेटिकली जैसे ही 7 बज जाएगा ऑटोमेटिकली वो रिडायरेक्ट कर जाएगा कि प्रीमियर पे ही चल जाएगा, यानी डबल जो है ऑडियंस लग जाएंगे आपको और डबल फायदा होगा, यहाँ पे लाइव के ऊपर फायदा भी चल रहा है। और वही सेम वीडियो लाइव जो कर रहे थे 1 घंटा के बाद, यानी प्रीमियर तो आप पहले से सेट करके रखें, वही प्रीमियर पे यही वीडियो ऑटोमेटिकली इसमें रिडायरेक्ट कर जाएगा और इसमें डबल फायदा होगा। ये बहुत ही काफी अच्छा अपडेट लगा दोस्तों मुझे, आप लोग बताएगा कि अपडेट ये आपको कैसे लगेगा, कैसा लगा, हो सकता है आपको इसके बारे में जानकारी नहीं हो कि साफ साफ यूट्यूब ने इसके ऊपर अपडेट ला दिया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है इसलिए भी प्रीमियर के अंदर ही है, तो आप प्रीमियर करने से पहले, प्रीमियर मान लीजिए आपका 7 बजे तो प्रीमियर है, इससे पहले आप क्या कर सकते हैं, किस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाने वाला है, किस टॉपिक के ऊपर आप प्रीमियर के अंदर बात करने वाले हैं, इस कंटेंट के अंदर मतलब क्या बातचीत करने वाले हैं, तो इससे पहले आप एक ट्रेलर अपलोड कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा अपडेट है दोस्तों, यानी वो क्या है दोस्तों, इसमें क्या है कि आपका जो अपडेट जो ट्रेलर अपडेट कर सकते हैं, जैसे ट्रेलर आपको पता है शुरू में आप इंट्रोडक्शन वगैरह दिया जाता है, यानी इसमें ट्रेलर या अपडेट कर सकते हैं, ट्रेलर इसमें मैक्सिमम तो आप 3 मिनट के अंदर ही कर सकते हैं मिनिमम, ठीक है, मैक्सिमम यानी 15 सेकंड के ऊपर होना चाहिए आपका ट्रेलर, या तो 3 मिनट के अंदर ही होना चाहिए, इससे 3 मिनट का ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका ट्रेलर, ठीक है। तो इसमें आपको साफ साफ ऑडियंस को पहले से नोटिफिकेशन चला जाएगा कि आप किस टॉपिक पर आप बात करने वाले हैं प्रीमियर के अंदर, यानी आप ट्रेलर के जरिए कुछ बोल सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, हाँ मैं आज वीडियो के जरिए कुछ ऐसे टाइप की बातें करने वाला, वीडियो को आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वगैरह वगैरह आप कुछ बोल सकते हैं, मतलब ट्रेलर दे सकते हैं लोगों को, ऑडियंस को कुछ बता सकते हैं पहले से ही प्रीमियर से पहले। ये बहुत ही काफी अच्छा लगा मुझे दोस्तों अपडेट, और आप लोग जरूर बताइए कि अपडेट आपको ये कैसा लगा। और एक अपडेट क्या है दोस्तों, आप इसमें थीम चूज कर सकते हैं, जैसे प्रीमियर शुरू होने से पहले काउंटडाउन शुरू होता है, आपको पता है इससे पहले क्या होता था, काउंटडाउन जो है वो सिर्फ उल्टी गिनती, आपको पता है उल्टी गिनती शुरू होता है ना, तो पहले एक ही थीम से चलता है, लेकिन अभी YouTube ने क्या कर दिया कि आप बहुत सारे अपने तरीके से थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग हिस्सों में थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, अलग अलग डिजाइन से आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी काफी अच्छा है आपका, मतलब काउंटडाउन अपना काउंटडाउन अपने हिसाब से रख सकते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से भी डिजाइन के तरीके से अब रख सकते हैं। मुझे ये अपडेट बहुत ही अच्छा लगा, ये सब प्रीमियर के अंदर ही बात कर रहा हूं, कम से कम इसके अंदर 3 ही अपडेट रहा दोस्तों, जैसे लाइव वीडियो रिडायरेक्ट कर जाता है, इसके ट्रेलर अपलोड कर सकते हैं, काउंटडाउन को लेके, ये काफी कमाल का अपडेट है दोस्तों, आप लोग बताएं कि आप कैसे लगा। उसके लास्ट अपडेट क्या है मैं आप लोगों को बता दे, लास्ट अपडेट है वो यूट्यूब वीडियो चेक खुल के, समझ सकते आपको पता हो जब भी आप यूट्यूब वाइडियो स्टूडियो डैशबोर्ड पर जाकर वहाँ से अपलोड करते हैं तो वहाँ पे वीडियो अपलोड तक करते हैं, वीडियो अपलोड करने का वहाँ पे देखिए आपको सब कुछ करने के बाद जैसे मोनिटाइज सेक्शन ऑन करने के बाद आपके पास एक आ जाता है चेक्स का ऑप्शन, वो चेक्स का ऑप्शन आपको, इसका मतलब ये है दोस्तों यूट्यूब
आपका वीडियो पब्लिश होने से पहले आपका वीडियो को सही तरीके से चेक करेगा कि आपका जो वीडियो है वो एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली है या नहीं है, या तो आपके वीडियो के अंदर कोई कॉपीराइट तो है नहीं। इसका मतलब वीडियो पब्लिश करने से पहले वीडियो यूट्यूब चेक करेगा, उसमें एक फ्लोटिंग वीडियो की तरह आपको नजर आएंगे कि उसमें दिखा देगा कि आपका वीडियो की किस टाइप के है और आपका किस कैटेगरी का, यह सब कुछ शो करेगा और आपका वीडियो जो है एडवर्टाइजमेंट के लिए फ्रेंडली है या नहीं है ये भी आपको दिखा देगा। और साथ ही आपका जो वीडियो के अंदर जो है कंटेंट के अंदर कोई कॉपीराइट तो है नहीं या है नहीं, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाए। ये बहुत ही कमाल का लगा दोस्तों, आपको पब्लिश करने से पहले इस बारे में सब कुछ डिटेल पता चल जाएगा, उसके बाद आप विजिबिलिटी पे जाके पब्लिश कर सकते हैं अगर वो आपका वीडियो सब कुछ ठीक ठाक है, यानी आपका टाइटल डिस्क्रिप्शन सब पहले से ठीक ठाक रखिएगा और जिस तरह आपका कॉन्टेंट है। तो यही है अपडेट दोस्तों, आप लोग बताइएगा ये चेक्स और ये चार ही अपडेट है। उम्मीद है दोस्तों ये अपडेट आपको अच्छा लगा होगा, वैसे थोड़ा टेढ़ी मेरी अपडेट है लेकिन बहुत ही कमाल की अपडेट है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई, पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके दबा दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है इस चैनल पे हमेशा यूट्यूब से जुड़ी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। तो मिलेंगे अगले और एक कमाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।